नमस्कार, आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं आज के हमारे इतिहास के बारे में। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज 4 जनवरी 2018 है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि 4 जनवरी के दिन हमारे इतिहास में कौन कौन से महापुरुष है जिनका जन्म हुआ है। दोस्तों, आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका देहांत हुआ है। आज के दिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई है, हम आपको ये भी बताएंगे। दोस्तों, आज 4 जनवरी है तो आज कौन सा दिवस है, आज कौन सा दिवस मना रहा है पूरा वर्ल्ड और भारत, इसकी जानकारी हम आपको हमारे इतिहास में उपलब्ध करवाएंगे। तो हमारा जो इतिहास का ये वीडियो है, आप इसको एंड तक देखते रहिए और हमारा जो चैनल आज की खबर, उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज की जो इतिहास है हमारा, उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं, आज कौन सा दिवस है, आज लुई ब्रेल दिवस है। दोस्तों, लुई ब्रेल दिवस क्या होता है हम आपको ये बताएं। लुई ब्रेल एक महान वैज्ञानिक थे। दोस्तों, इन्होंने एक लिपि की खोज करी थी और उस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या काम आती है दोस्तों, ब्रेल लिपि जो नेत्रहीन है उनको पढ़ने लिखने के काम आती है, और इस लिपि के कारण जो नेत्रहीन है वो हमारे समाज में पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। दोस्तों, और हम आपको यह बताएं, जो ये लिपि है इसकी खोज कर ली थी 1821 में, और आज या आने वाले समय तक इस लिपि को 200 साल पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, 200 साल से हमारे जो नेत्रहीन है वो इस लिपि का अध्ययन कर रहे हैं, इसके द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम जो हमारे वैज्ञानिक है लुई ब्रेल, इसको हम बारंबार सलाम करते हैं, क्योंकि इनके कारण जो नेत्रहीन है वो समाज के अंदर जो अच्छा पद है, अच्छी प्रतिष्ठा है वो पा सके और पा सकते हैं आने वाले समय में भी। आज हम आपको बता रहे हैं दोस्तों अब कि आज के दिन हमारे इतिहास में कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन जन्म हुआ है। हम आपको बताएं दोस्तों, आज गोपालदास सक्सेना, जिन्हें हम गोपालदास नीरज के नाम से भी जानते हैं, इनका आज के दिन जन्म हुआ है। इनका जन्म 4 जनवरी 1925 को हुआ है। गोपालदास नीरज हिंदी साहित्यकार और शिक्षक भी हैं। दोस्तों, आज प्रदीप कुमार जी का जन्मदिन है। दोस्तों, प्रदीप कुमार का जन्म 4 जनवरी 1925 को हुआ है और इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 2001 को हुई है। प्रदीप कुमार हिंदी और बंगाली भाषा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। दोस्तों प्रदीप कुमार बॉलीवुड के पुराने हीरो रहे हैं। आज जेसी कुमार पप्पा का जन्मदिन है। दोस्तों, जेसी कुमार पप्पा का जन्म 4 जनवरी 1892 को हुआ है और जेसी कुमार पप्पा की मृत्यु 30 जनवरी 1960 को हुई है। जेसी कुमार पप्पा भारत के अर्थशास्त्री थे। दोस्तों, आज टीएस ठाकुर, या जिनका पूरा नाम है तीरथ सिंह ठाकुर, हाँ दोस्तों, टीएस ठाकुर का जो जन्म है वो हुआ है 4 जनवरी 1952 को। तीरथ सिंह ठाकुर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। हम आपको ये बताएं दोस्तों, तीरथ सिंह ठाकुर भारत के 43वें न्यायाधीश रहे हैं। आज आइजैक न्यूटन का जन्मदिन है। दोस्तों, आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ है 4 जनवरी 1643 को, और आइजैक न्यूटन का जो देहांत हुआ है वो हुआ है दोस्तों 31 मार्च 1727 को। आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताएं, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का जो सिद्धांत है उसकी खोज करी थी। दोस्तों, आज निरूपा राय का जन्मदिन है। दोस्तों, निरूपा राय का जन्म हुआ है 4 जनवरी 1931 को और इनकी मृत्यु हुई है दोस्तों 31 अक्टूबर 2004 को। निरूपा राय एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। दोस्तों, हम आपको ये भी जानकारी दे दोस्तों, निरूपा राय ने ज़्यादातर फिल्मों में माँ का किरदार निभाया है, इसलिए हम निरूपा राय को माँ के रूप में भी ज़्यादा याद करते हैं। जब भी निरूपा राय अब पिक्चरों के अंदर होती है तो हमें भी उनको देखकर माँ की याद आ जाती है। दोस्तों, अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आज आदित्य पंचोली का जन्मदिन है। दोस्तों, आदित्य पंचोली का जन्म हुआ है 4 जनवरी 1965 को। आदित्य पंचोली बॉलीवुड के एक्टर हैं। आज जीवा का जन्मदिन है। दोस्तों, जीवा का जन्म हुआ है 4 जनवरी 1984 को। जीवा एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और निर्माता और गायक भी हैं। दोस्तों, हम आपको बताएं, जो जीवा एक्टर है वो तमिल फिल्मों में ज़्यादा काम करते हैं। दोस्तों, आज गुरदास मान का जन्मदिन है। दोस्तों, गुरदास मान का जन्म हुआ है 4 जनवरी 1957 को। गुरदास मान पंजाब के मशहूर लोक गायक और अभिनेता हैं। दोस्तों, अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन देहांत हुआ है। दोस्तों, आज राहुल देव बर्मन का देहांत हुआ है। दोस्तों, राहुल देव बर्मन को हम
आरडी बर्मन के नाम से भी जानते हैं। राहुल देव बर्मन को हम दोस्तों पंचम दा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में इन्हें पंचम दा के नाम से ही पुकारा जाता था। इनका जन्म हुआ है 27 जून 1939 को दोस्तों, और इनकी मृत्यु हुई है 4 जनवरी 1994 को दोस्तों। राहुल देव बर्मन जो बॉलीवुड है उसके महान संगीतकार थे दोस्तों। हम आपको ये बताएं दोस्तों, इन्होंने जो संगीत दिया था वो आज भी और आने वाले समय में भी लोगों की जुबान पर रहेगा दोस्तों। आज झाबरमल शर्मा का देहांत हुआ है दोस्तों। झाबरमल शर्मा का जो जन्म है वो हुआ था 1888 को, और इनकी जो मृत्यु हुई है दोस्तों वो हुई है 4 जनवरी 1983 को। झाबरमल शर्मा साहित्यकार, पत्रकार और इतिहासकार रहे थे दोस्तों। आज सरोश होमी कपाड़िया, या जिन्हें हम एसएच कपाड़िया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इनका आज के दिन देहांत हुआ है। सरोश होमी कपाड़िया का जन्म हुआ है 29 सितंबर 1947 को दोस्तों, और इनका जो देहांत हुआ है वो हुआ है दोस्तों 4 जनवरी 2016 को। एसएच कपाड़िया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। आज के दिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो आज के दिन हमारे इतिहास में घटित हुई है हम आपको जानकारी देते हैं दोस्तों। आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं। 2002 आज के दिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भारत आए थे दोस्तों। तो यह है दोस्तों आज का हमारा इतिहास। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हम आपको ये भी जानकारी दे दोस्तों, यदि आपको जो हमारा इतिहास है उसके अंदर कुछ और परिवर्तन चाहिए तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।